थाना क्षेत्र के जितौरा गांव के कट्टू टोला में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के चार लोग जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनको भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार चारों जख्मियों में जितौरा गांव के कट्टू निवासी स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह के पुत्र मालिक सिंह, इनकी पत्नी राज लक्ष्मी देवी और दो पुत्र रविन्द्र सिंह व राजकुमार सिंह शामिल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आज सुबह रास्ते पर एक पक्ष द्वारा कचरा फेंका गया था, जिसे हटाने और रास्ते को साफ करने के विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले नोक झोंक शुरू हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दरमियान एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष के चार लोगों को लाठी डंडे से मारकर जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। वहीं बताया जाता है कि चारों जख्मियों में पिता मालिक सिंह व पुत्र राजकुमार सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। रास्ते पर आप दिया था, डलैया है, वहीं से आदमी जाता है, बरसात का पानी जा रहा है तो ठीक है, लेकिन कचड़ा आप रख दिया है वहाँ पे, इस वजह से उसको बोला गया कि इसको तुम साइड कर दो। हम लोग रॉड वोड लेके लाठी वोटी लेके मारने के लिए तैयार हो गया, मेरा भाई को मारा, फिर हम लोग गए। कितने लोग जख्मी हैं? हम लोग तीन आदमी जख्मी हैं और मेरा माँ का भी यहाँ पर मार दिया, यानी चार लोग, चार आदमी। मेरा छोटा भाई को भी चोट लगा है, उसको थाना पकड़ के ले गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर। कहाँ घर है? मेरा घर ये रफू टोला है, जितौरा के पास।